बाबा साहेब ने तुम्हें पति की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहेब से पहले तुम्हें पैर की जूती समझा जाता था, और कहावत आज भी है, अरे महिला तो पैर की जूती होती है, एक टूट जाए तो दूसरी तैयार है, है या नहीं है? लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि महिलाएं पैर की जूती नहीं है, मैं नेसर का ताज बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि इस देश के शासन को एक महिला चला सकती है। और इस देश के अंदर जब बाबा साहेब ने ये भारत का संविधान लिखा तो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, और इस देश को चलाकर दिखाया, वो बाबा साहेब की बदौलत चलकर दिखाया। अगर बाबा साहेब महिलाओं को अधिकार न दिलाते तो क्या इंदिरा गांधी इस देश की पीएम बन जाती, बोलो? और हमारे यूपी की चार चार बार जो हमारी बहन, तुम्हारे समाज की बेटी, तुम्हारी बहन चार चार बार सीएम बन गई, ये किसकी बदौलत बनी? या देवी देवताओं की? संविधान की बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत। इसलिए जो हिंदू धर्म के चलाने वाले ये कहते हैं कि महिला पैर की जूती होती है, बाबा साहेब ने कहा कि इन्हीं महिलाओं के चरणों में मैंने पुरुषत्व में न झुकाया तो मेरा नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं। और झुकाया या नहीं झुकाया, बहुत सारे लोग महिलाओं के कदमों में सर झुकाते हैं, चाहे झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं। जब महिला एक टीचर बन के बैठती है, मैडम जी नमस्कार करते हैं या नहीं, इसकी बदौलत? बाबा साहेब की बदौलत। जब एक महिला नेवी में भर्ती होती है तो बहुत सारे लोग उसे सैल्यूट करते हैं। जब एक महिला आईएएस बनती है, जिले की डीएम बनती है, तो बहुत सारे लोग उसके कदमों में आते हैं, किसकी बदौलत? बाबा साहेब की बदौलत। तो बाबा साहेब ने इनके धर्म की जो प्रथा थी उसे खत्म कर दिया और यहाँ पर महिलाओं का शासन लागू कर दिया। कराया नहीं करा? और ये बेचारी महिला क्या करती, भाई नवरात्रे आ रहे, 9 दिन व्रत रखेंगे शहरों वाली माँ के, अरे अब तो कावर लेने चलना है क्योंकि भोले बाबा ने बुलाया है। कौन कौन से देवता तुम्हें बुलाते हैं? क्योंकि हमारे अंकल जी और भाई जो कुछ भी आप कहो, उनकी ये डिमांड है कि बहन जी आप गणेश जी की बात जरूर बताना। मैंने कहा हमसे तो किसी की भी पूछ लो, गणेश की कहो गणेश की बता देंगे, 6-6 हाथ वाली की कहो 6-6 हाथ वाली की बता देंगे, 3 आंख वाले की कहो 3 आंख वाले की बता देंगे, 10 सर वाले की कहो तो 10 सर वाले की भी बता देंगे, जो मैं खुद हूं रावणी तो थे 10 सर वाले। तो हमारे यहाँ तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि गणेश जी की बात जरूर बताना। शायद इन्होंने वीडियो में देखा होगा, तो जिन्होंने देखा है, किसी ने देखी है वो गणेश वाली वीडियो? हाथ ऊपर करो भाई, एक ही भाई का साथ हाथ ऊपर हुआ है, तो बाकी आप लोग भी उस बात को देख कर जाओ। और वो बात मैं अपनी पूरी करूंगी कि बाबा साहेब तो हमारे बाप बन गए, लेकिन क्या हम बाबा साहेब की औलाद बन सके? सोचो, उन्होंने अपने खुद के चार चार बच्चे कैसे तुम्हारे लिए मार दिए, लेकिन हमने सोचा नहीं, कैसे वो भूखे रहे हमने सोचा नहीं। इसलिए आज के बाद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह हो या शाम हो, जब भी एक दूसरे से मिलोगे तो जय भीम ही बोलोगे, नमो बुद्धाय जय भीम ही बोलोगे, दूसरे नहीं कुछ बोलोगे, ये जान लो। और अगर किसी ने कुछ बोला भी है तो आपको उसके जवाब में जय भीम ही देना है, ये जान लो। जय संविधान, और दो मेरी रिक्वेस्ट है। और हमारे भाई, हाँ ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्होंने कहा है कि जय संविधान भी बोलो, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है हम जिंदे हैं, इसलिए जय संविधान भी बोलो, ताकि दूसरे वाले लोगों को ये लगे कि अगर संविधान के साथ छेड़खानी हुई तो ये उसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये तो जय संविधान बोलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, जो तुम्हारे घरों के अंदर बैठे हैं, कोई कमल के फूल पे, कोई चूहे पे,
कोई बैल पे और कोई उल्लू पे, कितने बढ़िया बढ़िया वाहनों का आविष्कार किया गया है, अंदाजा भी आपने नहीं लगाया। तुम्हारी जो लक्ष्मी माँ है उसकी सवारी, उसका वाहन क्या है? उल्लू। क्या वो एक गाड़ी का आविष्कार नहीं करा सकती थी? जब कहते हैं अरे देवी माँ में तो बहुत शक्ति है, वो तो कुछ भी करा सकती, तो एक गाड़ी का आविष्कार नहीं करा सकती थी क्या? आविष्कार किसका किया? उल्लू का। अपनी सवारी किसे बनाई? उल्लू। और जरा तुम उल्लू पे बैठ के देखना, क्या कोई इंसान उल्लू पे बैठ के सवारी कर सकता है? सोचो, ये सोचने वाली बात है। कोई बैल पे तो बैठ सकता है, ये तो बात समझ में आती है। गधे पे भी बैठा जा सकता है, घोड़े पे भी बैठा जा सकता है, हाथी पे भी बैठा जा सकता है, लेकिन क्या चूहे पे और उल्लू पे बैठा जा सकता है? किसी की सवारी चूहा हो सकता है? जवाब नहीं देता अभी। जवाब नहीं हो सकता, जवाब ही नहीं। तो आओ गुणगान करें तुम्हारे चूहे राजा की सवारी। किसका वाहन है चूहा? किसका? गणेश का। इन बच्चों को बहुत पता है क्योंकि इनके घरों में फोटो जो लगी है। कावड़ लेने जाते तुम्हारे पिताजी? कावड़ लेने नहीं जाते? ना जाते? छोड़ दिया। जो कोई जाते होंगे उनकी बंद करा के जाऊंगी आज, क्योंकि ये जो कावड़ का खर्चा है ये अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाना है। एक कावड़ लाने में खर्चा आता है 8 से 10 हजार रुपए का, आता है या नहीं आता? आता है। अब तुम किसके लिए लेने जा रहे हो वो सुनो। हमारे समाज के लोग जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें शिव जी ने नीलकंठ पे बुलाया है, और हम जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे इनविटेशन दिया है, या आपको घर देने के लिए कार्ड आए थे, या व्हाट्सएप पे भेजा है कि आओ मेरे यहाँ आपकी तब दावत है, या तब लेना, कोई इनविटेशन आता है आपके व्हाट्सएप पे या कार्ड देने के लिए कोई आता है शिव जी के घर से? बोलो, हमारे पास इनविटेशन गया, हमें इन्होंने बुलाया तभी तो यहाँ आए। लेकिन हमारे समाज के लोग जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो जब रास्ते में वो जाते हैं तो वहां उन्हें शिवजी का प्रसाद पिलाया जाता है। अरे हाँ ना तो बोलो। रास्ते में ठंडाई पिलाई जाती है, और उस ठंडाई में क्या मिला होता है? क्या मिला होता है? बांग। हाँ। और डीजे बजा बजा कर कहते हैं डाक कावड़ लाएंगे, डाक कावड़, और गाना चलता है नीलकंठ पे चढ़ गए रे बोले एक बाल्टी भांग। ऐसा ही है ना कुछ? वो नीलकंठ पे चढ़कर बोले पी के एक बाल्टी भांग रे बोला, यूं मटे कर बोला यूं मटे कर। यानी ये महीना ना बनाया खाना, चल रहे तो बुढ़ा कावड़ लेने जाओ। अब हमारा तो बुद्धिस्टों का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जब हमारे समाज के बच्चे जाते हैं तो उस भांग को पीते हैं जो प्रसाद भोले का है, और वो नशे के आदि हो जाते हैं। जब वो कावड़ लेके वापस आते हैं तो इनके जैसी जो बेटियां यानी कि उसकी बहनें होती हैं वो उसकी आरती उतारती हैं। एक नारियल लेती है, और वो पहले तो उसे गांव के बाहर से ढोल धमाके से लाया जाता है, चलो भाई भोले को लेने चल रहे हैं, भोले जी आए हैं। मैंने कहा ये देश के लिए बॉर्डर की लड़ाई लड़ने गया था, उसे जीत कर आया है, या तुम्हारे लिए अधिकार दिला के आया है। लेकिन वो क्या करके आया? भांग पीकर आया, नशे का आदि बन के आया, क्योंकि वहां फ्री में जो पिलाई जाती है। और
और फिर जब उसका आरता करके घर में बैठाते हो, नशेड़ी वो बन चला है तो नशे की आदत लग जाती है और वो पहले उधार पैसा मांगता है, अपनी माँ से मांगता है और फिर अपने घर में चोरी करने लगता है और घर से काम ना चलता है तो वो बाहर से छीना झपटी करता है क्योंकि उसे नशे की आदत जो पड़ गई है। और फिर कहती हो शिव जी के आगे, अरे भोलेनाथ ऐसा बेटा तो होते ही मर जाता, इससे तो अच्छा होता ही ना, तेने कैसा लाल दिया। सोचो फिर राम को बुलाती हो और अब बारी आती है क्योंकि शिव जी तो नशे का आदि है, तो अब मैं बात करूंगी चूहे वाले राजा की कि गणेश किसका बेटा है, किसका बेटा बेटी हो? शंकर जी और पार्वती यानी भोले बाबा का, ऐसा ही है ना? तो देखो कैसे पैदा होता है शंकर जी। एक दिन पार्वती को बहुत गर्मी लगी, ये कथा हमने नहीं लिखी, ये कथा विष्णु पुराण शिव पुराण में लिखी हुई है कि एक दिन पार्वती ने नहाने की सोची। पार्वती जी नहाने के लिए चली तो उन्हें गेट पर एक पहरेदार चाहिए था क्योंकि घर के अंदर बाथरूम शिव जी ने नहीं बनवाया था। जो तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है उसने अपने घर के अंदर पार्वती जी के लिए एक बाथरूम तक भी ना बनवाया था, कान खोल के सुन लो, यानी 500 ईंटें खर्च नहीं करी, प्लास्टर ही नहीं कराता, दीवार ही खड़ी कर देता, लेकिन वो भी नहीं था। तो इसलिए पार्वती ने सोचा कि यहाँ पर एक पहरेदार मुझे चाहिए, ये शायद आंधी आ गई है। और पार्वती ने ऐसे महल उतारा और इतना बड़ा गणेश पैदा कर दिया, इतना बड़ा, क्योंकि हाथ में डंडा लेकर बैठेगा तो 12-13 साल का तो होना ही चाहिए किसी आदमी को रोकने के लिए, या छोटे से बच्चे से कोई रुक जाएगा? कोई नहीं रुकेगा। इतना बड़ा गणेश पार्वती ने अपने महल से तुरंत तैयार कर दिया, 2 मिनट में इतना बड़ा गणेश गेट पर लठिया लेकर खड़ा हो जाता है। पार्वती जी नहाने चली जाती हैं और पार्वती जी के हस्बैंड शिव जी भोलेनाथ जी नशे में टल्ली होकर आते हैं, हाथ में त्रिशूल है, और जब गेट पे उन्हें रोका जाता है तो गणेश कहता है, अरे रुको, ये मेरा घर है, मेरी माँ नहा रही है। और वो कहते हैं कि यही रुको, तुम मेरे गेट पर कैसे आए, ये मेरा घर है, अंदर मेरी पत्नी पार्वती रहती है। वो कह रहे हैं कि अंदर मेरी माँ रहती है, और वो कह रहा है अंदर मेरी पत्नी रहती है, और दोनों में जंग शुरू हो जाती है, यानी कि बेटे को बाप का पता नहीं, बाप को बेटे का पता नहीं। शिवजी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने जंगल में जाते हैं और जंगल से एक आदमी के बच्चे की गर्दन को उड़ाकर लाते हैं। सब लोगों ने आपने सुना है, सुना नहीं देखा है, गणेश के ऊपर जो सर लगा है किसका है? हाथी का है। कहते हैं कि जंगल के अंदर एक हाथी अपने पीछे अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी, तो गणेश जी के पिताजी शिव जी वहाँ जाते हैं और उस हथनी के बच्चे की गर्दन उड़ा देते हैं। उसने देखा कि हथनी तो सो रही है, मैं इसके बच्चे की गर्दन को काट लेता हूँ और अपने बच्चे की गर्दन पे फिट कर देता हूँ। अब शिव जी कितना बड़े डॉक्टर निकले, इस गांव के इस क्षेत्र में सबसे बड़े डॉक्टर एमडी होंगे, एमडी डॉक्टर सबसे बड़े होंगे, सर्जन क्यूआई, लेकिन शिव जी तो सर्जनों के भी सर्जन निकले। पहले तो एक छोटे से बच्चे की, आदमी के बच्चे की गर्दन कटी पड़ी है वहीं, वो तो शिव जी को दिखाई नहीं थी,
वो दिखाई नहीं थी, उसे ही जोड़ देते। कम से कम इंसान का बेटा इंसान तो रहता। दूसरी हत्या वहां पर जाकर कर दी, पहली हत्या वहां कर दी तो दूसरी वहां कर दी, लेकिन अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कितने बड़े डॉक्टर शिव जी निकले। ना तो किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, ना किसी औजार की जरूरत पड़ी, ना किसी दवा की जरूरत पड़ी। और जैसे डब्बे का ढक्कन खोल के फिट कर देते हैं, ऐसी हेलमेट की तरह से वो गर्दन लाए, टक टक करते आए और जल्दी से वो भर उठाए और एकदम से वो फिट कर दी। फिट करते ही और गणेश जी पिताजी पिताजी कहते हुए खड़े हो गए। गणेश जी चिंता हो गए और गणेश जी की सवारी चूहे जी भी वहां आ गए। अब तुम लोगों ने कार्ड में छपवाना शुरू कर दिया, ओम गणेश आय नमः। जब घर में शादी का कार्ड छपता है तो पहले गणेश आय नमः, यानी के आधा इंसान आधा जानवर। तो तुम क्या कहते हो? धन्यवाद पति कि हमारी बुद्धि भी हाथी के बच्चे की तरह से है। हे गणेश जी, जिस बुद्धि का आप प्रयोग करते हो, हम भी अपनी गोबर गणेश जी बुद्धि का ही प्रयोग करेंगे। जय गणेश आय नमः। ऐसे ही कहते हो ना? हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।